हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं करीब 10:30 का टाइम हो चुका है और सुबह के जो काम हैं वो सब मैंने नहीं किए हैं क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा ना 6 बजे से दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा सर में, तो बस मैं काफ़ी देर तक लेटी रही, आराम वगैरह किया। दर्द मतलब इतना ज़्यादा था, मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था और किसी काम को करने का भी मन नहीं था। और जो मेरे हाथों में दिखी, दोनों हाथों मैंने काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी तो सारी ही मेरी एक एक करके चूड़ी बिनस गई है और अभी दूसरी भी डालने का मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और कुछ इतना ज़्यादा मतलब गर्मी है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं करते किसी चीज़ को भी हाथ लगाने का। देखूँगी फ़िलहाल डिब्बे वगैरह में काफ़ी सारी चूड़ी रखी हुई हैं तो कोई सी डाल लूँगी, और हाथ खाली खाली से ना बहुत अजीब अजीब से लग रहे हैं। अभी 10 बज रहे हैं तो मैंने जो सफाई वगैरह झाड़ू पोछा है कुछ भी नहीं किया, घर का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने यहाँ पर किचन की एक जो ये साइड की स्लैब है वो साफ़ की है, गैस में साफ़ किया जैसे सारा। यहाँ से साफ़ करने के बाद प्याज टमाटर कट किए, उसके बाद यहाँ पर चाय रखी, सबके लिए बना रही हूँ चाय और पोहा क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा होगा आज, क्योंकि मतलब पेट पूजा हो जाएगी तभी काम कुछ करने की हिम्मत सी आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इतना ज़्यादा पेट में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतनी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी ना। एक तो चेक कराया था तो खून की कमी बताई है, खून मतलब इतना ज़्यादा कम है कि काम ही नहीं हो पाता है खून की कमी की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पर बस सबके लिए चाय पोहा बन चुका है, सबको चाय और पोहा दे देती हूँ। उसके बाद मतलब हस्बैंड जी चले जाएंगे अपने काम पर और बच्चे अपना, उसके बाद नीचे आराम करेंगे दोनों। पढ़ाई वगैरह उनकी चल रही है, वंशी का मतलब नाश्ता करके जाएगी ट्यूशन, उसका 11 बजे ट्यूशन रहता है। तो सबका अपना अपना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। वंशिका और बच्चे ठीक चारों चले गए हैं ट्यूशन और मैं लग गई हूँ अपनी घर की साफ़ सफाई में। कुछ ये भी था, मुझे आज सफाई करनी थी बहुत अच्छे से, घर की पूरे की क्लीनिंग करनी थी, जितना मतलब ज़्यादा था कि जो बीच बीच में मैं कर रही हूँ क्योंकि जब से वहाँ से आई हूँ जो जो काम मेरे रुके हुए हैं ना वो धीरे धीरे एक एक करके ही मैं निपटा रही हूँ। एक साथ मैंने कुछ भी काम नहीं मतलब इतना किया, तबीयत मेरी मतलब डाउन हो रही है गर्मी की वजह से, और अगर मैं एक साथ करती तब तो पता नहीं क्या हालत होती। पहले शरीर इतना अच्छा था कि एक साथ में पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लेती थी, हो जाता था, लेकिन अब शरीर में वो बात नहीं है पहले वाली जो रहती थी। अभी तो शरीर वैसे ही इतना मोटापा ले चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो वैसे भी नहीं हो पाता इतना काम। और बस अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही थी ड्रॉर वगैरह साफ़, इसमें मैंने अच्छे से कपड़ा लगा कर गीले कपड़े से सूखे कपड़े से दोनों से साफ़ किया। और एक गिलास दिख रही थी मैं, काफ़ी पुराना है मतलब सासू माँ के टाइम का ही है ये, और उनके ही काफ़ी सारे पुराने बर्तन हैं इसमें, और जो आगे के नए नए गिलास हैं वो सारे अभी के हैं। तो इसमें मैंने सारे बर्तन वगैरह जोड़ दिए, अखबार वगैरह भी शायद सुबह ही मैंने आर्यन से ना बोल दिया था कि मुझे अखबार ला दो, तो मैंने अखबारें वगैरह इसमें बिछा लूँगी जिनसे कि सारी साफ़ सुथरी हो जाएंगी और अखबारें वगैरह इसमें लग जाएंगी। कुछ मैं वहाँ पर गई हुई थी तो पीछे से इन्होंने बर्तन की मतलब कुछ कहीं रख दिए कुछ कहीं रख दिए, तो मुझे आने के बाद ना कोई कड़छी नहीं मिल रही है, किसी का चम्मच नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो ऐसे सामान मिल नहीं रहा था काफ़ी देर। कल मैं दूध का डिब्बे का ढक्कन ढूंढती रही तो दूध के डिब्बे का ढक्कन मुझे नहीं मिला, बहुत ढूंढा मैंने। और अभी देखी बीच वाले डोर, मैंने वंशिका को बोला था कि इसी में ही होगा पर वो नहीं मान रही थी, तो मैंने अभी इसको खाली किया, सारे कुछ साफ़ किया तो इसी में ही था, वो मिल भी गया है। और बस इसे पूरे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें ये झाड़ू है ना जो इससे लगाकर अच्छे से इसको डस्ट से साफ़ कर लिया है, पूरे अच्छे से इसको धूल मिट्टी वगैरह सारी साफ़ करने के बाद इसमें बिछा दूँगी मैं अखबार, और उसके बाद इसमें प्लेट वगैरह जो बर्तन वगैरह हैं वो सब रखूँगी। यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे से गीला कपड़ा भी मार दिया और सूखा भी मार रहा है, तो पूरे अच्छे से बस इसको साफ़ सुथरा करके इसमें बर्तन लगा लेती हूँ पहले अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं एक एक करके ही ड्रॉर साफ़ कर रही थी सारे, और एक मैंने पहले ऊपर वाले में गिलास वगैरह सब कुछ रख दिया था अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर दूसरे वाले को मैंने अच्छे से इसमें अखबार वगैरह भी छा दिया, इसको साफ़ किया है, और इसके बाद इसमें लगा दिए प्लेट्स वगैरह जो भी बर्तन थे। अभी तीसरे की बारी है तो तीसरे को भी मुझे इसी तरह से अच्छे से पहले सारा सामान इसका बाहर निकालूंगी, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उनको ना मैं फेंक रही थी, और जो भी काम की चीज़ें थी वो मैं रख रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा है लेकिन वो इसमें रखी हुई हैं,
और कुछ चीज़ें नीचे मतलब ड्रॉर में रखी थी, कुछ चीज़ें ऊपर वाले रखी थी, तो एक साथ ही एक तरफ़ा मैंने इनको सबको सेट कर दिया, तीनों को अच्छे से अखबार बिछा कर। सबसे नीचे वाले में मैंने लगाए थे कांच के गिलास, कप वगैरह ये सब रखे हैं। और अभी किचन की हालत देखिए अब कैसी हो गई है, मतलब तीनों ड्रॉर ही सिर्फ मैंने साफ़ किए हैं, उसी में इन तीनों में ही देखिए कितना ज़्यादा मतलब बर्तन फैल गए हैं, पूरे में किचन फैल गया। और सुबह में एक भी बर्तन नहीं था, बिल्कुल किचन साफ़ सुथरी थी, सारे बर्तन धुले हुए थे। लेकिन अभी देखिए बर्तनों की मतलब पूरी सिंक भी भरी रखी है, लेकिन यह है कि बर्तन सारे साफ़ हैं। सिर्फ मैंने जो पोहा बनाया था, पोहे की कढ़ाई और तीन दो या तीन प्लेट हैं जो कि सुबह नाश्ता किया है सबने, वही तो अभी सारे मैंने बर्तन पहले मांझ लिए, सारे बर्तनों को अच्छे से मांझ कर अभी मैं फटाफट से इनको जल्दी से धो ले रही और सब बर्तनों को धोकर साफ करके मतलब लगा दिया टोकरी में अच्छे से। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग करती है तो मैंने इसलिए कट कर करके ही आपके साथ शेयर किया है। अभी यहाँ पर आर्यन बना रहा था नींबू पानी, तो फिर मैंने उसको बोला था कि नींबू पानी मत बनाओ, रोबजा रखा था तो रोबजा बना लिया उसने, थोड़ा सा उसमें दूध डाल दी क्योंकि सुबह मैंने कान्हा जी को रोबजा वाला दूध दिया था एक गिलास से, तो वो रखी हुई थी, तो फिर बस बाकी पानी मिलाकर उसमें रोबजा वाला थोड़ा सा दूध डाला, तो अच्छी सी लस्सी बन गई है हमारी। और अब उसको बस पी लेंगे। और यहाँ पर ना दोपहर के खाने की भी मुझे तैयारी करनी थी, और लेट इतना ज़्यादा होता जा रहा था ना काम के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसीलिए ना बस मैंने यहाँ पर छोले चढ़ा दिए और सोच रहा है कि बस ये काम कर लूँ, फिर इसके बाद मैं नहा कर आऊँगी। तो देखिए छोले अपने उबलने के लिए रख दिए हैं, उसको मैंने गैस पर रख दिया। आर्यन को बोला है कि जो मतलब ये फूल झाड़ू है उसको धूप में रख देगा सूखने के लिए, थोड़ी सी वो गीली हो गई थी तो बस उसको उसने धूप में रखवा दिया। और यहाँ पर अभी मतलब छोले रखे हैं उबलने के लिए, एक साइड दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल चुके हैं, बस स्लैब पर रखे हैं, इनको जोड़ना रह गया, सिर्फ इनको लगाना है ड्रॉर्स वगैरह में जहाँ जहाँ इनकी जगह है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो ये था एरिया, इस मतलब बिल्कुल खाली साफ सुथरा है वैसे तो, लेकिन इसमें ना थोड़े से जाले थे वो मैंने उतार दिया। इसके बाद इसमें पानी डालकर अच्छे से धो दिया सारे को मैं, अच्छे से पूरे फर्श को यहाँ पर पानी डालकर, और साथ में झाड़ू लगा ले रही हूँ, झाड़ू से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है रगड़ते हुए, तो बस सारे को अच्छे से यहाँ पर धो धाकर साफ करके वाइपर लगाकर उसके बाद लगाना है पोछा। उससे पहले मैं यहाँ पर धो रही हूँ वॉश बेसिन, क्योंकि ये भी ना साबुन यहाँ पर बच्चे रख देते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं या हाथ वगैरह धुलते हैं, हाथ से तो मैंने रखा हुआ है लेकिन हैंड वॉश से कोई भी नहीं धोता है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर ना दाग धब्बे से लग जाते हैं, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है वॉश बेसिन मेरा में, तो बस इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने चूने से ही साफ़ किया है। थोड़ा सा हैंड वॉश ही लिया था, हैंड वॉश से लगा कर और स्क्रब से इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दे रही हूँ। तो देखिए वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया था, बाथरूम वगैरह भी मैंने धुल लिया था, बाथरूम फ्रेश वगैरह वॉश मतलब पूरा अच्छे से धोकर साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर ये वाइपर लगाना रह गया था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइपर लगाऊंगी, क्योंकि वाइपर जब तक नहीं लगेगा ना तब तक पोछा नहीं लगेगा, तो पूरे में अच्छे से वाइपर लगा के उसके बाद एक दो मिनट बाद थोड़ा सा सूख गया था तो मैंने यहाँ पर लगा दी पोछा। सिलेंडर के नीचे भी मैंने पोछा लगा दिया है और बाकी एरिया में पैर से लगा रही हूँ, वाइपर से भी अच्छे से लग जाता है लेकिन मुझे वाइपर से ज़्यादा पैर से लगाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना देखिए पहले मैंने उस दिन वाइपर से लगाया था लेकिन मुझे सुकून सा नहीं मिला, फिर मैंने वापस से लगाया था। अभी यहाँ पर इस कमरे में लगा रही हूँ हाथ से, क्योंकि यहाँ ना कूलर वगैरह चलता है डेली का दो तीन टाइम, जैसे कि कूलर चलता है तो उसकी वजह से ना पानी उसका जो गिरता है उसकी वजह से दाग धब्बे पड़े हुए थे काफ़ी, और इतना ज़्यादा मतलब दाग लगे हुए थे कि मुझे बैठ कर ही साफ़ करने पड़े, तो मैंने यहाँ पर इस कमरे में सिर्फ बैठ कर लगाया। और मंदिर वाले रूम में जो मंदिर वाला कमरा है ना उसमें मैंने बैठ के लगाए थे, तो इसमें भी देखिए अच्छे से मैंने बैठ कर ना पूरे में पोछा लगा दिया। अभी दो तीन बार जैसे कि बाहर जाना पड़ता है निचोड़ने के लिए, तो बस अच्छे से पोछे को मैंने धोकर दो तीन बार इस रूम को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। और आर्यन यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है फ़ोन, वंशिका गई हुई थी ट्यूशन, वो भी नहीं आई है क्योंकि उसका एक के बाद एक ट्यूशन रहता है तो वो नहीं आई थी। और पूरे रूम में अच्छे से पोछा वगैरह लगाकर बाहर भी लग गया था, सारा पूरा घर अच्छे से चमचमा गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा किया। उसके बाद यहाँ पर रह गई थी खाने की तैयारी, जो कि मैंने छोले बॉयल करने के लिए रख गई थी, इसमें दो तीन आलू भी डाले थे क्योंकि आज मैं छोले ना रात में भिगोए नहीं थे तो दोपहर में ही मैंने भिगोए थे, जिस टाइम में जो किचन क्लीनिंग कर रही थी उसी टाइम पर याद आया कि सब्ज़ी भी बनानी है, और सब्ज़ी के बारे में सोचा ही नहीं था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, तभी मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे। और उसके बाद उसमें थोड़े से फिर मैंने आलू डाल दिए ताकि सब्ज़ी दोनों टाइम की बन जाए सुबह शाम की, नहीं तो शाम को फिर से बनानी पड़ती और थकावट अभी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मुझसे वैसे ही नहीं शाम को खाना बन पाएगा। यहाँ पर देखिए छोले थोड़े से हल्के से कच्चे थे तो मैंने इसको एक बार फिर से चढ़ा दिए, एक दो सीटी इसमें आएंगे तो ये पक जाएंगे, आलू बॉयल हो गए थे
तो आलू को मैंने निकाल लिया और यहाँ पर सरसों के तेल में जीरा हींग डालकर प्याज भुनने के लिए डाल दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि हाय तौबा हुई पड़ी है। अभी नहा कर आई हूँ, नहाने के बाद भी मुझे मतलब पसीना रुक ही नहीं रहा था। कुछ तो यह है ना कि गैस के पास खड़ी हुई हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर बस मैंने अभी आटा लगा दी है और आटा लगा कर रख दिया है। बस इसको ना मैं आटे को सेट करने के होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब तक आटा सेट होता है तब तक ना यहाँ पर डाल रही थी रायता आलू का, और आलू का रायता हमारे घर में सिर्फ सासू माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है और उन्हीं के लिए मैं डाल रही हूँ। उनको दोपहर में और शाम के टाइम दोनों टाइम मैं दे दूँगी सब्ज़ी के साथ ही। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था और ये मेरे छोले और आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। इसको हिलाकर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, और ये ज़्यादा नहीं लेगा अब टाइम, बस 5 या 10 मिनट से सब्ज़ी पक जाएगी। तब तक ये देखिए दूसरी साइड बना रही हूँ मैं रोटी। और ना मैंने अभी गर्मी गर्मी रोटी ना मतलब सेक कर बनानी बंद कर दिया, क्योंकि एक तो हस्बैंड जी को सेक कर मतलब खाने खुद को भी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि थोड़ी सी वो सूख जाती है, और दूसरा ये रहता है कि घी लगा कर बनानी है तो तवे पर बन रही है। अभी फ़िलहाल धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है रोटी बनाने के चक्कर में ना, गर्मी में इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है। और अभी यहाँ पर सारे फिर उसका खाना खाना मतलब सबने खा लिया था, बर्तन वर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए। आटे की जो चरिमची थी और कुकर वगैरह था जो भी सब्जी के थे बर्तन, वो भी सारे खाली करके सिंक वगैरह अच्छे से बांध धोकर साफ़ कर दिया। तो देखिए बस पूरा सारा काम अच्छे से होने के बाद अभी मैं खा रही हूँ अपना खाना, और वीडियो को भी मैं अभी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो सुबह से चल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।